आपको इनको 2% की पार्टी को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए। सर ऐसे सर आप मेरी विदेश में सर तो आपके तो दो ही लोग हैं। तो हो गया क्या सरकारें बदलते समय नहीं कौन जानता ये बात सर। हम अपनी माँ बहन बेटियों को लेकर नहीं जा सकते थे, वो सुरक्षा मिली उनको। आज आज जो लड़कियों के साथ बर्बर कांड हुआ है ये सरकार की नाकामयाबी है और हाथरस जैसी घटना की पुनरावृत्ति हुई है। सभी प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी, बेटियां एकदम सुरक्षित हैं। कितने गिनवाए आप बताइए। केवल झूठ के सारे इन्होंने जो अभी तक जो सरकार बनी वो झूठ के सारे पे बनी। उन्नाव की घटना हुई जहाँ विधायक सेंगर एक लड़की का बलात्कार करता है और भारतीय जनता पार्टी उसको अपना तब तक नेता मानती है जब तक कोर्ट उसको दोषी नहीं सिद्ध कर देती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। यूपी में रेप के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बच्चियों के साथ हो रहे बलात्कार पर सरकार की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। एक बार फिर यूपी में योगी सरकार सवालों के कटघरे में आकर खड़ी हो गई है। लखीमपुर खीरी में दो नाबालिगों के साथ रेप किया गया और उनके शव पेड़ पर लटके मिले, लेकिन इस पर राजनीति तब शुरू हुई जब इन दोनों युवतियों के दलित होने पर से पर्दा उठा। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा नेता अश्विनी चाहिती, कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी, आजाद समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ जी, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता नागेंद्र दुबे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। अश्विनी जी सबसे पहले तो ये बताइए जी, अश्विनी जी सबसे पहला सवाल आपसे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या भाजपा के लिए सिर्फ एक चुनावी मुद्दा था? क्योंकि जो हालात सामने आ रहे हैं बेटियों को कहीं से भी ना बचाया जा रहा है ना पढ़ाया जा रहा है, सर क्या क्या है पूरा मामला? देखिए कोई भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा नारा नहीं दिया है जो जिसको चरितार्थ करके न दिखाया। उत्तर प्रदेश में जो अपराध हो रहे हैं ये अपराध जो है, देखिए पुलिस की कार्यवाही त्वरित कार्यवाही देखिए अपराध हुआ, ये दुखद अपराधिक घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इसका पर्दाफाश किया और उनको गिरफ्तार कर लिया। एक भाग रहा था उसको उसके टांग में गोली मारकर भी गिरफ्तार किया गया। इसका मतलब कि सरकार की व्यवस्था चाक चौबंद है। हाँ हमको वहां तक पहुंचना है कि अपराध हो ना पाए, इस तरीके का डर। लेकिन दूसरे तरफ अगर इसको हम लोग देखते हैं तो इस चीज को देखिए कि उत्तर प्रदेश में जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, विश्व का मुझे लगता है हिंदुस्तान का तो होगा ही विश्व का पहला ये राज्य होगा जहां पर अपराधी तख्ती लेकर खड़े होते हैं थाने के सामने और कहते हैं कि हमको गिरफ्तार कर लिया जाए। क्योंकि पहली बार जब सरकार में आए थे माननीय योगी आदित्यनाथ जी तो उन्होंने नारा दिया था कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ दें वरना उनकी जगह जेलों में है या ठोक दिए जाएंगे। अब बात आती है उत्तर प्रदेश में अपराध कम करने की। 2022 का चुनाव हुआ, विरोधी दलों ने बहुत सी इन चीजों को बहुत हाइप किया, हमारे विरोध में रहे, लेकिन हमको 6% महिलाओं का वोट ज्यादा मिला। आपको ये बताना चाहूंगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो माताएं बहनें हमारी एकदम असुरक्षित थी, पश्चिम के तरफ रात में 6 बजे के बाद हम अपनी माँ बहन बेटियों को लेकर नहीं जा सकते थे, वो सुरक्षा मिली उनको। मिशन शक्ति जो हमारी आई थी, मिशन शक्ति जो 2017 के बाद चालू हुई थी, उन मिशन शक्ति में हम लोगों ने कितने लोगों को सजा दिलाने में 2019 के बाद उत्तर प्रदेश सजा दिलाने में टॉप पे है। सजा दिलाने की नौबत ही क्यों आती है, जुर्म खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं सर? देखिए जुर्म खत्म एक अगर ये कहा जाएगा तो बड़ा अतिशयोक्ति होगी, हमको नहीं कहना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूं, अभी हमारे कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के लोग बोलेंगे, लेकिन ये इतना बड़ा प्रदेश है, समय लगता है। जो गुंडा राज, जो जंगल राज इन लोगों ने फैलाया था उसमें आज संगठित अपराध खत्म करने में उत्तर प्रदेश एक नंबर पर है। संगठित अपराध खत्म हो गया और अपराधी कौन थे? समाजवादी पार्टी के गुंडे मुख्तार अंसारी और अतुल अमर टाइप, इस टाइप के लोग ये लोग थे। आज स्थिति क्या है उनकी, उनकी स्थिति में कहां है? वो जेलों में है, उनके संपत्तियां 2000 करोड़ से ऊपर की आज ध्वस्त कर दी गई है या जब्त कर ली गई है। तो ये कार्यक्रम इसलिए किया जाता है कि ये बड़े अपराधियों पर नकेल डाला जा सके और छोटे अपराधियों के लिए नजीर बनाया जा सके। तो टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। जी राघवेंद्र दुबे जी कुछ कहना चाह रहे थे।
देखिए ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, केवल झूठ के सारे इन्होंने जो अभी तक जो सरकार बनी वो झूठ के सारे पे बनी। अभी 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 की घटना है कि इनके विधायक जो गाजियाबाद में रहते हैं बुलंदशहर सदर सीट के, उनकी माताजी के कान काट कर के कुंडल ले गए, कान काट के कुंडल ले गए बदमाश। तो ये बता रहे अपनी व्यवस्था बता रहे हैं, महिला अपराध नंबर एक है उत्तर प्रदेश, पूरे 5 साल रहा, इनको है पता कि नहीं पता। और ये के क्या बात कर रहे हैं, गुंडागर्दी कौन कर रहा है, कुलदीप यादव जैसे इनके विधायक जो बलात्कार करते हैं। और इन्होंने तब रिपोर्ट लिखी जब महिला ने वहां पर विधानसभा के आगे अपना आत्महत्या करने की कोशिश करी, पुलिस कोर्ट के संज्ञान कोर्ट ने जब लिया तब जाकर उसकी रिपोर्ट लिखी। फिर उसके साथ क्या हुआ कि सत्ता संरक्षित गुंडे उसके पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं, ये है सत्ता संरक्षित गुंडे। चिन्मयानंद कौन है, चिन्मयानंद इनकी पार्टी के हैं कि दूसरी पार्टी के हैं? ये लोग जो प्रदेश में जिस तरीके से आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ गई, चाहे हत्या हो लूट हो, नंबर एक उसमें है कि नहीं, मानवाधिकार हनन में नंबर एक है उत्तर प्रदेश, इनको ये पता होना चाहिए। जहां बात कर रहे थे सुरक्षा की बात कर रहे थे, मैंने तो अभी बताया कि जब विधायक के परिवार के लोग सुरक्षित नहीं है, विधायक के ये नहीं है, जहां तमाम भ्रष्टाचार चाहे PWD का मंत्रालय हो चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय हो, इनके उप मुख्यमंत्री घूम रहा है ना जगह जगह, एक्सपायरी डेट की जो दवाइयां हैं वो दवाइयां इनके हॉस्पिटलों में मिली क्या नहीं मिली, तो कैसे मिल रहा? सत्ता संरक्षित ये गिरोह चल रहा है जो उत्तर प्रदेश में लूट कर रहा है और ये तमाम बातें कर रहा है। आज 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 जो लड़कियों के साथ बर्बर कांड हुआ है ये सरकार की नाकामयाबी है, और हाथरस जैसी घटना की पुनरावृत्ति हुई है, ये सरकार सोई हुई है और लगातार ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। लखीमपुर खीरी में जो हुई घटना, इसके पहले इनके गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों पर कार चढ़ा देता है और ये कमेंट चाहूंगी सर, दलित बच्चियों पर अत्याचार हो रहे हैं, कहां कमी रह गई, क्या लगता है? देखिए ये जो लखीमपुर खीरी की कल जो घटना घटी है, ये इस प्रकार की घटनाएं आए दिन पूरे देश के अंदर हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी हो रही हैं। जो घटनाएं आप लोगों के सहयोग से मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंच जाती हैं, आपको जी सुनील जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप इंटरनेट के दायरे में नहीं है क्या, नेटवर्क कम आ रहे हैं आपके पे? नहीं नहीं ठीक आ रहे हैं, आवाज आपकी ठीक आ रही है सर, आपकी नहीं आ रही है, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आपके पास? नहीं सर कट रही है, ब्रेक हो रही है वॉइस। हेलो हेलो सुन पा रहे हैं, आवाज आ रही है जी? हाँ मैं सुन रहा हूँ, मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? सर मुझे आपकी आवाज आ रही है सुनील जी, अश्विनी जी आपको सुन रहे हैं? सर मैं अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ, आप अपना आंसर रिपीट कर देना ठीक है? हाँ सुनील जी, दलित बच्चियों पर आए दिन अत्याचार के मामले सामने आते हैं, क्या लगता है कहां कमी रह गई है? देखिए पूरे देश के अंदर दलित वर्ग जो कमजोर वर्ग है, इसके ऊपर बड़े पैमाने पर दबंगों के द्वारा अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, यह हो जाती हैं और आगे चल के सजा होती है, और ये लगातार सिस्टम चल रहा है, लेकिन इस सिस्टम को रोकने के लिए कोई ठोस उपाय जो सरकार को करने चाहिए वह नहीं कर रही है, चाहे कांग्रेस की राजस्थान की सरकार हो और चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, और पूरे देश के अंदर ये घटनाएं कमजोर लोगों पे होती हैं, कमजोर लोगों की बहन बेटियों के साथ छेड़खानी होती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जातीय और कमजोरी के आधार पर इस प्रकार की हिम्मत पड़ती है, लोगों के जहन में ये मैसेज रहता है कि ये कमजोर लोग हैं हमारा क्या नुकसान कर लेंगे। तो मैं इस घटना की घोर निंदा करते हुए और उस परिवार से पूरी सहानुभूति रखते हुए मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सरकार इसमें दोषियों को गिरफ्तार करके सजा तो देगी, लेकिन उस परिवार की सुरक्षा भी करे, और इसके अलावा पूरे प्रदेश के अंदर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जो दलित वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इनको कमजोर कहा गया है या कमजोर बनाया गया है, ये कमजोर होने के कारण अत्याचार के शिकार होते हैं, तो इनकी कमजोरी का अंत करे, इन्हें मजबूत करे,
इनके पास जमीनें हों, इनके पास कारोबार हों, इनके पास रोजगार हों और इन्हें जाति आधार पर कोई कमजोर ना समझे, तो जाति का जो आधार है कमजोर मानने का, उस आधार पर इनको जातिगत रूप से इतना मजबूत कर दिया जाए कि इनकी जाति छोटी होते हुए भी ये ऊपर अत्याचार किया जाए। अभिमन्यु जी के पास आना चाहूंगी। अभिमन्यु जी, इस पूरे वारदात पर प्रियंका गांधी वाड्रा का भी ट्वीट आया है, जबकि कांग्रेस का चुनावी मुद्दा ही था महिला सुरक्षा, क्या लगता है कहां कमी रह गई? सबसे पहले कांची बंसल जी, आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। देखिए, ये जहनियत होती है, इस सरकार की जो जहनियत थी वो देख ली। हाथरस की घटना हुई, दलित समाज की बेटी का बलात्कार हुआ, रात को उसका जबरन अंतिम संस्कार किया गया और जो आरोपी लोग थे वो पंचायत करते हुए घूमते रहे। उन्नाव की घटना हुई जहां विधायक सेंगर एक लड़की का बलात्कार करता है और भारतीय जनता पार्टी उसको अपना तब तक नेता मानती है जब तक कोर्ट उसको दोषी नहीं सिद्ध कर देते। इसी तरह चिन्मयानंद इनके गृह राज्य मंत्री रहे हैं, उन पे भी यौन शोषण का आरोप रहा, उसको भी ये तब तक नेता मानते रहे जब तक कोर्ट ने उनका दोष नहीं साबित कर दिया। इसी तरह लखीमपुर खीरी की घटना ही नहीं, इसी तरह अभी हमारे दुबे जी ने बताया, इस घटना हुई लखीमपुर खीरी में, आदरणीय टैनी जी के बेटे ने किसानों का नरसंहार करा, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। ग्रेटर नोएडा में अन्नू त्यागी, इंगला त्यागी का पुलिस ने शोषण करा। खुशी दुबे नाम की एक लड़की पुलिस कस्टडी में रही, उसका कारण ये रहा क्योंकि उसका एक रिश्तेदार अपराधी था, लेकिन नाबालिग लड़की को जेल में पहुंचाने का काम इस जातिवादी सरकार ने किया। उसी सोच का नतीजा ये है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है और जो भी कमजोर वर्ग है, मैं चित्तौड़ जी की बातों में ही अपनी बात जोड़ते हुए कहना चाहता हूँ, जो कमजोर वर्ग है उसको टारगेट कर जो भी नरपिशाच और भेड़िया लोग हैं, वो लोग उनको टारगेट करके उनकी बहन बेटियों पर अत्याचार और जुल्म करते जा रहे हो, किसकी सरकार में करते जा रहे हैं, जो एक भगवा वस्त्र पहनते हैं, जो महाराज हैं, जो साधु संत का लिबास पहनते हैं, और सबसे ज्यादा जो अन्याय हो रहा है आम जन पर, गरीब पर, बुजुर्ग पर, वो इनकी सरकार में हो रहा है। अभी दो दिन पुरानी बात है, गाजियाबाद में बुलंदशहर के एक विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनकी 80 साल की बुजुर्ग माँ के कान के कुंडल खींच लिए, जब कान के कुंडल नहीं खींचे तो ब्लेड से कान काट दिया। बूढ़ी माँ रोते हुए थाने गई, रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। 3 घंटे बाद विधायक के भाई ने, जब विधायक ने फोन करा तब वो रिपोर्ट दर्ज हुई। ये आलम तो इन सरकार का सबके सामने आ चुका है। अब ये इनका चरित्र है सरकार का, न्याय कहाँ मिलेगा जब भैरी हो शासन, जब सत्ता ही भैरी हो जाए, जो अहंकार में डूबी हुई सत्ता हो। रावण भी अहंकार में डूबा था पर उसका अंत हो गया था, तो इनका भी अंत होना निश्चित है। ये अलग बात है वो अंत अब 5 साल में होता है। हम तो निवेदन करते हैं सरकार से कि अब भी वक्त है, आप चेत जाइए, इस समाज में लखीमपुर जैसी घटना ना हो, इस समाज में खुशी दुबे जैसी घटना ना हो, क्योंकि हम भी इस समाज में रहते हैं, हमको भी जाना पड़ता है, बड़ा कष्ट होता है। सरकार की कान पे तो जूनी रैंकती, लेकिन हमें बड़ा कष्ट होता है, इस समाज बहुत पीड़ित होता है जब ऐसी कहीं भी घटनाएं होती हैं। क्या कहेंगे जी, क्या कहेंगे सर? कांची जी, देखिए, हमारे त्यागी जी और हमारे दुबे जी ने बहुत बड़ी बड़ी बात कहा और कहना भी चाहिए, क्योंकि कहने के अलावा और कुछ है नहीं लोगों के पास। मैं त्यागी जी शुरू करता हूँ। गलत क्या कहा लेकिन त्यागी जी, क्या गलत कहा इन्होंने? गलत क्या कहा? नहीं, गलत ये गलत एकदम नहीं कहा, मैं वही तो बताना चाहता हूँ, गलत कुछ नहीं कहा इन्होंने। मैं एक उदाहरण देखिए, जो उदाहरण देना चाहिए तो कम से कम अपने घर को भी झांक लेना चाहिए। त्यागी जी के एक मुख्यमंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने, जो अभी हम ये सरकार है जो उसमें वन में एक कानून बनाया गया निर्भया के बाद। अशोक गहलोत जी कहते हैं कि निर्भया कांड के बाद जब कानून बनाया सरकार ने, उसके बाद रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? ये वो बयान उनको देना चाहिए, उसको रेप को बढ़ावा, वहां रेप को बढ़ावा दिया जा रहा है और आज यहाँ पर त्यागी जी आकर भाषण दे रहे हैं। जब वहां पर जो घटना हुई है, अरे रुक जाइए, मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला, कर रहे हैं आप। अगर कोई अगर इस बीच में बोलेगा तो मैं भी डिस्टर्ब करना जानता हूँ लोगों को, बहस की गरिमा बनाए रखा जाए। हम लोगों को नहीं, कोई धमकाने की बात नहीं, बीच में आप धमका रहे हैं, आतंक आप फैला रहे हैं, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, मैंने तो कुछ बोला नहीं आपके बीच में। बहस की गरिमा बनाए रखिए त्यागी जी। उसके बाद वही मुख्यमंत्री उनके कुछ दिन पहले हनुमानगढ़ में 2 लड़कियां चली जाती, उनके साथ रेप हो जाता है, कहते हैं लड़कियां रेप नहीं हुआ है, वो सहमति से गई थी। ये लोग हैं
दुबे जी के एक नेता कहा करते थे लड़कियों से बच्चों से गलती हो जाया करती है, और आज जब उसको सुधारने की बात हम कर रहे हैं किसी ने नहीं कहा। इन लोगों ने अभियान चलाया था त्यागी जी के नेता ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों का बड़ा पहला अधिकार है हमारे देश के संसाधनों पर, तुष्टिकरण कर रहे थे। और दुबे जी की पार्टी तो उसके लिए जानी जाती है, एमओआई फैक्टर के लिए। वही सारे छह शांति दूत पकड़े गए हैं वहां, वो शांति दूत पकड़े गए हैं वहां छह, दुबे जी, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर हम लव जिहाद चलाते हैं तो आप लोग आते हैं यहां पर कि भाई हम विरोध करेंगे भाजपा का, लव जिहाद कार्यक्रम है, तीन तलाक की बात होती है तो भी आप विरोध करते हैं, रोमियो स्क्वाड होता है तो भी आप विरोध करते हैं। और आपको बताना चाहेंगे पिछले 18 महीने में अंची जी 35 लोगों को हमारी सरकार के रहते फांसी की सजा मिली है, इतना तेज काम हुआ है। और क्या काम हुआ है, हम लोगों ने जो महिला सुरक्षा के नाम पर काम किया, मैं आपको थोड़ा सा एक आंकड़ा पेश करना चाहता हूं, 160 पास्को कोर्ट बनाने पर काम चल रहा है, ये महिला अपराध और बच्चों के अपराध के लिए। 18 साइबर लैब और 18 फोरेंसिक लैब हमारे तैयार हो चुके हैं, ये महिलाओं के लिए है, महिला सुरक्षा से जुड़ी जानकारी एक पोर्टल हम लोग बना के उस पर दे रहे हैं, महिला सुरक्षा से कितनी क्या क्या जानकारी हो सकती है। और उसके बाद आप आ जाए ई पोर्टल, अगर ये लोग जो कह रहे हैं ना, एक ई पोर्टल है, जो ज्यादा जानकार है पढ़े लिखे हैं उस पोर्टल पर जाएं, 77 लाख केस की जानकारी उस पर है, आप देख सकते हैं कहां क्या है कैसे है। ये इस सरकार ने किया है। आज हम पिछली सरकारों की बात बार बार इसलिए आ जाती है कि इन लोगों ने माहौल को ऐसा बिगाड़ दिया था कि अब उसको बहुत टाइम लगता, लेकिन आज हम धीरे धीरे इस स्तर पर आ रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा कि हमको अब उस स्तर पर ले आना है कि ये अपराध होने ना पाए, क्योंकि पुलिस कभी, अभी तक कई लोगों का नाम गिना दिया, चिन्मयानंद जी को माननीय कोर्ट ने बरी किया, गायत्री प्रजापति को लेकर समाजवादी पार्टी के लोग घूमते रहे, अपने मंचों पर भाषण दिलवाते रहे, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब डांटा है तब उनको, वो गायत्री प्रजापति की नहीं याद है, गायत्री मंत्र पढ़ते रहे मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी। दुबे जी कुछ कहना चाहते हैं, दुबे जी, दुबे जी देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, उनका अपराध मुक्त इसलिए हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी पे कितने 2 दर्जन मुकदमे थे, उप मुख्यमंत्री पे कितने 1 दर्जन मुकदमे थे, केशव प्रसाद अपनी फाइल मंगवा करके, ये पहला ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश, ये तो इतिहास बनाते हैं ना, इन्होंने अपने मुकदमे खत्म कर लिए, हो गए ना साधु संत, अपने मुकदमे हटा दिए, साधु संत बन गए, तो ये सरकार वो है। और दूसरे की बात करते हैं, महिला अपराध में क्या नंबर एक नहीं है उत्तर प्रदेश, त्यागी जी देंगे इसका जवाब, नहीं राजस्थान, राजस्थान लोकसभा, लोकसभा नहीं नहीं नहीं, नहीं। सुनिए त्यागी जी, रेप में राजस्थान नंबर एक है और रेप में उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है, इनको थोड़ा करेक्ट कर लें, मानवाधिकार हनन में कस्टोडियल डेथ में नंबर एक आपका उत्तर प्रदेश है, तो आपने तो उत्तर प्रदेश की यह हालत कर दी। आप बताइए उत्तर प्रदेश में जो भी काम हुए आप उसी का फीता काट रहे हैं, अखिलेश सरकार का मेट्रो हो चाहे हाईवे बने हो, आपका कौन सा नया काम कर दिया, यहाँ केशव जी नहीं है, यहाँ मैं कहूंगा गेहूं बेच कर नहीं ले आए थे, ये सदन नहीं है, गेहूं बेच कर नहीं बनाया है, जनता का पैसा जनता के लिए लगाया है। अरे आपका कौन सा गेहूं बेच रहा है, हमने गेहूं नहीं बेचा, हम जनता का पैसा लगा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, हम जनता का पैसा जनता के लिए लगा रहे हैं, हम भी दोहरा नहीं पीते हैं। अब तो सुन लीजिए त्यागी जी, अब तो सुन लीजिए, अब तो हम कह रहे थे, सुन लीजिए, 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे थे ना आप कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, मोदी जी ने कहा था, कितने मिली 8 साल के बाद 7,22,000 आपकी सरकार ने लोकसभा में बोला, आप वही है जिन्होंने कहा था बुलेट ट्रेन लाएंगे, कहां बुलेट ट्रेन, कोई आज तक कहीं गांव, बहुत सांसदों ने कहा था गोद ले लिए थे गांव, वो गोद से निकला करिए, दूसरा उस घटना पर नहीं बोलेंगे ये लोग, घटना पर नहीं घटी है, इसको बोलिए आज का सब्जेक्ट है वो लखीमपुर का प्रकरण है, लखीमपुर से जो घटना घटी है उस पर बोलिए, चित्तौड़ जी कोई तथ्य होगा इन लोगों के पास, सब तो बोलेंगे, आपके पास तथ्य है, आपने बोला, आपकी सरकार में जघन्य अपराध हो रहा है, आपका तथ्य होंगे, आपको शर्मानी चाहिए कि 2 बच्चियों के साथ बलात्कार हो गया, आपकी पुलिस सोती रही, आपका प्रशासन सोता रहा, आपकी सरकार सोती रही, आपने कोई कार्रवाई नहीं की, सुरक्षा व्यवस्था के साथ आप तो कह रहे थे तख्ती लेकर के जो अपराधी है वो थाने पहुंच रहे, ये अपराधी ऐसे जघन्य अपराध कैसे कर रहे हैं। ठीक है अश्विनी जी,
मेरा सवाल भी आपसे यही है कि कोई बलात्कार या कोई दुष्कर्म होने के बाद ये सरकार क्यों जाती है? देखिए, अगर सच सुनना चाहती हैं तो किसी सरकार के पास ये ऐसा मैजिक नहीं होता है कि वो उसके पहले जाकर जो है जानकारी कि अब ये अपराध होने जा रहा है। और ये सवाल जो है यहाँ पर बेमानी है कांची जी। जी जी ठीक है, तो आगे भी मतलब आगे कि कोई अपराध होंगे उसके बाद न्याय मिलेगा पीड़ितों को? वो आप देखिए, अब न्याय तो हमेशा अपराध होने के बाद ही मिलता है। न्याय अपराध होने के पहले कहाँ न्याय मिला है, जरा बता दीजिए। ये पूछ रही हूँ सर। नहीं नहीं, आप जो पूछ रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। कभी प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी? बेटियां एकदम सुरक्षित हैं। मैंने कहा तभी हमको 2022 में 6% ज्यादा वोट हमारी बेटियों ने, हमारी माओ ने हमको दिया है, और समाजवादी पार्टी को किनारे कर दिया है, किनारे कर दिया है। मैं आपको डेटा बता देती हूँ उत्तर प्रदेश का रेप का। सिर्फ 31 जुलाई 2020 को यूपी के मुजफ्फरनगर में 8 साल की एक बच्ची के साथ रेप किया गया, ठीक है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। 16 अगस्त 2020 को लखीमपुर खीरी में 13 साल की एक दलित लड़की का गैंग रेप हुआ। 6 अगस्त 2020 को हापुड़ में धीरे धीरे 5 अगस्त 2020 बुलंदशहर में खुर्जा में 8 साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश की गई। 2021 में यूपी में 2700 से ज्यादा मामले दर्ज हुए रेप के। 2022 के सर कितने गिनवाए आप बताइए। 2700 आपने कहा ना, 2700 कहा ना, बस यही रुक जाइए, जवाब नहीं दीजिए आप। जवाब 2700, 3000 मान लेते हैं आप, 3000 मान लेते हैं, जितने हुए उतने मान लेंगे, चलिए बताइए। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ आप देखिए, एक दिन यही था उत्तर प्रदेश का, हर दिन 24 रेप, 21 अटेम्प्ट टू मर्डर, 13 मर्डर, 33 किडनैपिंग, 19 दंगे, 136 चोरियां, 7650 केस एक दिन का है, और आज आपने कितना घटाया, 2700 हम कम कर ले आए हैं। समय लगेगा, ये समाप्त हो जाएगा। मैं इसीलिए कह रहा था धीरे धीरे पढ़िए, क्योंकि आंकड़े लेकर ही मैं बैठता हूँ। ये हमारी पिछली सरकार का था जो समाजवादी पार्टी की थी, 7650 रोज। आंकड़े में ये बता दीजिए, ये आंकड़ों में ये बता दीजिए कि ये जो बलात्कार की घटनाएं घटी हैं, अपराध बड़ा है, किस तरीके की बात आप कर रहे हैं सर? एक आप अपनी सरकार की तथ्यों पर बात करिए। चित्तौड़ साहब कुछ कह रहा है, चित्तौड़ साहब कुछ कह रहा है, आप तथ्यों पर बात करिए। अनर्गल प्रणाम मत करिए दुबे जी, अनर्गल प्रणाम नहीं दुबे जी, चित्तौड़ जी कुछ कह रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, इन आंकड़ों में जो कमजोर वर्ग की लड़कियां हैं उनके साथ कितने परसेंटेज घटनाएं घटी, और जो मजबूत परिवारों की हैं, जमींदारों की, सामंतवादी लोगों की, उनके साथ कितनी घटनाएं घटी हैं? मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, और आंकड़े भी इस बात के गवाह हैं, कि मैं इसी बात पर जोर दे रहा हूं कि दलितों के साथ में, पिछड़ों के साथ में, कमजोर वर्ग के लोगों के साथ में ही ये घटनाएं क्यों घट रही हैं? इसका मतलब इस देश के अंदर जातवाद है, और जातिवाद के लोग सरकार की कुर्सियों पर बैठे हैं, वो चाहे प्रशासन में बैठे हों, चाहे शासन में बैठे हों, वो जाति के आधार पर जब क्राइम हो रहा है तो उस जाति के आधार पर क्राइम को रोकने के लिए कोई उपाय, कोई योजना क्यों नहीं बना रहे हैं? बननी चाहिए कि जब कमजोर वर्ग की लड़कियों के ऊपर अपराध होता है तो अपराधी की संपत्ति जब्त करनी चाहिए, है? और कमजोर वर्ग का जो हजारों साल से चला आ रहा है रोना के, हम कमजोर वर्ग के लिए बहुत सी योजनाएं बना के उनको हम आगे ला रहे हैं, तो ये सब चीजें हो रही हैं, इसके बावजूद भी कमजोर वर्ग की लड़कियों पर ही अत्याचार हो रहा है। इसका मतलब लोगों ने कमजोर वर्ग के लोगों को ये समझ लिया है कि ये कमजोर है, ये हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे, इनको जब मर्जी चाहे तब मारो पीटो बलात्कार करो। तो ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता देश के लिए ठीक नहीं है। जो राष्ट्र भक्त अपने आप को बन रहे हैं और मानवता का पाठ सिखाते हैं, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि आपके अंदर इंसानियत है, मानवता है, तो ये जाति के आधार पर या कमजोर मान के किसी का उत्पीड़न और शोषण मत कीजिए। ये उत्पीड़न और शोषण करना बंद कीजिए, ये लोकतंत्र है, इसमें सभी मनुष्य एक बराबर हैं। भारत का संविधान सबको बराबर के अधिकार देता है। जब सबको बराबर के अधिकार हैं, इसके बावजूद 72 साल की आजादी के बाद जब आंकड़े देखते हैं तो दलितों की पिटाई हो रही है, दलितों की हत्याएं हो रही हैं, दलितों की जमीनों पर, मकानों पर कब्जे हो रहे हैं, दलितों की बहन बेटियों के साथ में छिड़काने की घटनाएं हो रही है, फिर सरकार क्या कर रही है? सरकारों को सोचना चाहिए। 56 साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही,
अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे जनता पार्टी जनता दल की हो, पार्टियों के नाम बदल जाते हैं, पार्टियों के चिन्ह बदल जाते हैं, पार्टियों के नेता बदल जाते हैं, लेकिन सबकी सोच एक ही है कि कमजोरों को मारो पीटो बलात्कार करो। तो ये जो गैर इंसानियत के काम हो रहे हैं, ये संविधान विरोधी काम हो रहे हैं, इनको रोकना चाहिए। अगर नहीं रोकेंगे तो ये जो जनता है गरीब लंबे समय तक आपके बहकावे में नहीं आएगी, इसकी आंखें खुल जाएंगी और ये आंखें खुलकर फिर आपको सपोर्ट नहीं करेगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि जिन लोगों ने ये रेप किया है, जो इसमें वारदात में शामिल है, उनकी सबकी संपत्ति जब्त की जाए और आगे भी कानून बना दिया जाए। कोई भी गरीब कमजोर व्यक्ति को सताएगा, परेशान करेगा, जमीन पे कब्जे करेगा, मकान पर करेगा, हत्या करेगा, उसकी मजदूरी को रोकेगा, उसके जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके अपमान करेगा, तो उसकी संपत्ति को तुरंत सरकार अपने कब्जे में ले ले। जब बड़ा कानून बनेगा, जब बड़ी मार पड़ेगी, तब हो सकता है कुछ सुधार हो। जी चलिए, आपके आपकी बातों में तीन बातें आई हैं इतने लंबे बातों में, कि पहले आपने कहा क्या इस देश में जातिवाद है, दूसरा कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और संपत्ति जब्त की जाए, और तीसरी आपने बार बार वो दोहराया जो कानून है देश में, जाति सूचक शब्दों के लिए भी कानून है और उसके लिए कानून है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा जातिवाद देश में क्यों नहीं है। आप लोगों की पार्टी, मैं जहां तक जानता हूं जो आपके साथ लिखा हुआ है, हमारी पार्टी का हुआ है जाति, हमारी पार्टी पर ही हुआ है, समाज पार्टी कांशीराम जी, जाति पर ही हुआ है, जाति पर ही हुआ है। भाई चंद्रशेखर जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, कहीं भी वो संघर्ष हो रहा है, तुम लोग क्या मेहनत कर रहे हैं। वही संघर्ष जो है वो जाति पर ही आधारित पार्टी है आपकी, कोई असली असली जातिवाद नहीं होता है, जाति पर आधारित पार्टी है ना, और आप समाज के लोगों ने वही कर रहे हैं, समाज से आप पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाति के आधार पर सरकार चलाई है, जाति के आधार पर तो आप लोग काम कर रहे हैं, जाति के आधार पर आप सरकार चला रहे हैं, तभी तो जाति के आधार पर हमारे लोगों के साथ जाति के आधार पर हमारे लोगों के साथ हो रही है, तो सरकार के सारे पर हो रही है, सरकार के लोगों के साथ हो रही है। ये कौन सी बात है, सरकार के लोगों के साथ क्यों नहीं हो रही है, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, पार्टी बनाई है इसको मानिए, आप जातिवाद समाज से पूछ रहे हैं, आजाद समाज पार्टी जातिगत आधार पर नहीं बनी है, जो समाज हजारों साल से गुलामी कर रहा है, जो देश बना के रखा गया है, उसको लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र में जाति के आधार पर ही सरकारें काम करती आई है, संविधान को दरकिनार करके काम किया जा रहा है, संविधान में सबको बराबरी का अधिकार मिले, सबको सुरक्षा होनी चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा, क्योंकि जाति के आधार पर सरकार में बैठे हुए लोग निर्णय लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अश्विनी जी। देखिये मैं जवाब दे रहा हूँ काशी जी, तो अब चित्तौड़ जी जो है बोलने में समाज मिला, सवाल किया है मैंने, दो का जवाब दिया, तीसरे की बात मैं करता हूं। देश में कानून बन चुका है, जो मैं हमने पॉस्को की बात की, पॉस्को कानून जो है उसके लिए है, तो नाबालिग अगर होंगे तो उसके लिए उनका है, महिला अपराध के लिए निर्भया कांड के बाद देश में कानून पास हुआ है और फांसी की सजाएं हुई, तो देश में कानून की कोई कमी नहीं है। हाँ, एक ये कहा जा सकता है कि समाज में अगर कहीं पर ये अशिक्षा का माहौल है या कोई ऐसी चीज नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो सबका ये काम है फैलाना। आज एक उदाहरण के साथ अपनी बात मैं समाप्त करूंगा कि उत्तर प्रदेश में एक सर्वे चल रहा है, उस सर्वे में हम लोगों ने काम किया कि 12 पॉइंट बनाए, कहाँ है, कैसे है, कि उसकी बिल्डिंग कैसी है, टीचर है कि नहीं है, बच्चे कितने हैं, कहाँ से आ रहा पैसा, कहाँ जा रहा, इस पर भी विरोध, क्योंकि हमको उनके शिक्षा के स्तर को उठाना है, तो उस पर भी अब सब लोगों ने विरोध करना शुरू किया। तो ये सबकी एक जिम्मेदारी है कि इस 25 करोड़ की जो जनता है उत्तर प्रदेश की, वो सबके लिए सब लोग सोचे, ये नहीं कि योगी सरकार है तो हर काम का विरोध करो, मोदी सरकार है तो हर काम का विरोध करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर समाज के लिए आपके पास कुछ तथ्य है, लड़ने की कुवत है, आप एक बता दीजिए, इतना राजनीतिक दल के लोग बैठे हैं, किसी महिला अपराध और उत्पीड़न के लिए चौराहे पर कोई विरोध प्रदर्शन किया हो इन लोगों ने तो बता दे, कसम खा ले गंगा जल उठा के, सारे मेरठ में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, हमारा निवेदन है कि आप भी सरकार तक पहुंचाएं बात को, मेरठ में अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। सुन लीजिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा उत्तर प्रदेश में देकर प्रियंका जी, और पंजाब में वो नारा नहीं देती है,
वहाँ पर एक दलित वहाँ पर एक दलित जो है काटा गया और मत कीजिए मिट्टी का तेल डालकर उसको गुजरात में जाया गया सिंघू बॉर्डर पर विरोध करने के लिए राज्यों में नेता है विरोध करने के लिए उत्तर प्रदेश की बात कीजिए अत्याचार के बारे में बात कीजिए जी का विरोध किया आज शक्ति मिशन जो हमारा चल रहा है हम लोग उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने पर तुले हुए हैं और ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी का एक है। अरे राजस्थान देखिए भाई जहाँ पर आपका मुख्यमंत्री कहता है कि लड़कियां अपने मत के लिए राजस्थान में भी हो रहे हैं इनको बुलाना नहीं चाहिए आपको इनको 2% की पार्टी को यहाँ नहीं बुलाना चाहिए राजस्थान तो हो गया क्या राजस्थान बारे में घमंड हो गया जी राजस्थान आपका भी टूट जाएगा सरकारें बदल के समय नहीं ज्यादा दिन गुमराह कर सकते हैं कौन जानता है ये बात सर। चलिए आखिरी कमेंट चाहूंगी आप सबसे देखिए जनता का आशीर्वाद रहेगा तो सरकारें बदलेंगी भी और सरकार चलेगी भी। अभी जनता का आशीर्वाद ये है कि उनके हम दुख सुख सब में हम खड़े हैं इन लोगों की तरफ थोड़ी जी ठीक है जी बोलिए दुबे जी जी। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ त्यागी जी ने बहुत बड़ा भाषण दिया जिस तरीके भाषण से काम नहीं चलता है कि भाषण से नहीं है लोगों को चाहिए कि आप वो दिखे जमीन पर और जमीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। आपने एक यूनिट बिजली उत्पादन नहीं किया अभी कह रहे थे कि कोई महिला उत्पीड़न के खिलाफ हाथरस में इन्होंने क्या किया जो भी विपक्षी दल गया इन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया उनके साथ मारपिटाई के चाहे RLD के रहे उनको पुलिस ने इस तरीके से पीटा लाठियों से पीटा तो ये वो लोग हमारे नेताओं को उन्होंने लाठियों से पीटा महिलाओं से मिलने तक नहीं दिया ये वही लोग हैं। अभी हमारे जब विधायक कल महंगाई अव्यवस्था कानून ध्वस्त कानून व्यवस्था को डर के जब धरने पर जा रहे थे उन्होंने विधानसभा पर प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है उसके लिए धरना स्थल बना है वहां रहते हैं तो आप लोग सोचते हैं जो कानून तोड़ेगा पीटेगा जो धन अपराध हुआ है वही आपके साथ होगा जो चूर होगा हुआ उसका घमंड किसी का नहीं दो लोग आप थे दो लोग से जाकर के आप बहुमत में आए इसलिए घमंड मत करिए अरे भाई आप तो प्रदेश से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं कई साल से प्रदेश में ही है बाहर निकल के देखिए ना बहुत दुनिया पड़ी ठीक है दुबे जी ठीक है। अश्विनी जी मेरा सवाल एक ये भी है कि सऊदी जैसे देशों में बलात्कार को लेके रेप को लेके कानून व्यवस्था काफी कठोर है भारत में ऐसा कुछ होना चाहिए क्या। देखिए अगर आप ऐसा पूछ रहे हैं तो भारत के संवैधानिक व्यवस्था में ऐसी ही नहीं है यहाँ सरिया कानून नहीं लागू है। अगर वैसा हो जाए मान लीजिए कि एक बार हो जाता तो बहुत सी चीजें बच जाती कि चोरी करने पर हाथ काट दिया जाता बहुत सी चोरी रुक जाती कुछ बलात्कार करने पर सरेआम चौराहे पर फांसी मार दिया जाता या सरकलम कर दिया जाता। वही तो व्यवस्था लागू करने की लोग कोशिश कर रहे हैं जो राजस्थान में हुआ है सरतन से जुदा करने वाला और जो चीज है ये वही कानून है वो भाजपा से जुड़ा हुआ था वो देश है लोकतंत्र से चलेगा और लोकतंत्र जो है अपने संविधान की रक्षा करते हुए आगे बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान की रक्षा करना जानती है। हाँ जो और कठोर से कठोर कानूनी कार्यवाही संवैधानिक रूप से होंगे वो जरूर किए जाएंगे जो अभियुक्त है चाहे जो है उनको कठोर से कठोर में उसके बारे में भी बताइए। अपमान अगर किसी किया है तो वो देखिए उनकी सरकार स्वामी चिन्मयानंद कुलदीप सेंगर चैनी जैसे आपको आपको पता नहीं है चिन्मयानंद जी को कोर्ट ने बरी किया था अभी चिन्मयानंद जी को कोर्ट ने बरी किया है यूपी सरकार ने अभी आप देख लीजिए अभी अभी फैसला सुरक्षित है
दरअसल इनकी सरकार के जो पोस्टर बॉय हैं स्वामी चिन्मयानंद जैसे लोग हैं, पोस्टर बॉय है कुलदीप सेंगर जैसे हैं, पोस्टर बॉय है टैनी जैसे पोस्टर बॉय हैं। अब जिस सरकार के पोस्टर बॉय ऐसे लोग हों तो उनका कार्यशैली कैसी हो वो सब लोग जानते हैं। हाथरस की घटना हो, अन्नू त्यागी इंगला त्यागी खुशी दुबे की घटना हो, महिलाओं के प्रति इनका क्या व्यवहार है ये सब लोग जानते हैं। अपराधियों के पोषक ही महिला विरोधी दुबे का नाम ले रहे हैं, किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, इनकी कार्यशैली आमजन विरोधी है, मध्य वर्ग विरोधी है। मनोहर राजस्थान, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में अभी दो प्रकरण हुए, जितेंद्र मेघवाल को मूछ रखने पर गोली से मार दिया, इंद्र कुमार जो बच्चा था उसने मटके से हाथ लगा दिया इसलिए मार दिया, तो वहां कांग्रेस की सरकार है, यहां भाजपा की सरकार है, ये कुल मिला के मारे जा रहे हैं, कमजोर लोग मारे जा रहे हैं। तो मैं तो आप सभी से पूछना चाहता हूं कि ये कमजोरी दूर कब होगी, इसको दूर कब करेंगे, इनका वोट लेने के लिए गरीबों का कल्याण करेंगे, गरीबों का हम भला करेंगे तमाम नारे बना के आ जाते हैं, लेकिन गरीब गरीब ही रह रहा है। आज भी गरीब भीख मांग रहे हैं, 20 करोड़ से ज्यादा लोगों के सिर पे छत नहीं है, ये गरीबों के साथ में जुड़ जाती हो रही है। ये तो कांग्रेस के लोग भाजपा के इंदिरा गांधी आवास योजना कांग्रेस पार्टी ने दिया, दलितों को आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया, संविधान में जो दिए गए हैं अगर ईमानदारी से लागू अच्छा हो जाएगी। क्वेश्चन करते जाए, आरोप लगाते जाए, आपने क्या किया दलित समाज के लिए बताइए, बताइए आपके दल ने क्या किया है, सिर्फ सीधा आरोप लगा देने भर से काम नहीं चलेगा। हमारी पार्टी अभी बन रही है, जब बनेगी सरकार में जाएंगे कितने दिन और बनाते रहेंगे, बनाते रहिए आप काम भी तो कीजिए, आप ये बताइए ना, बेहतर साल के संविधान लागू हुए हैं, बेहतर साल में 56 तक केंद्र में रही कांग्रेस, 38 साल तक उत्तर प्रदेश में रही कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, कांग्रेस के लोगों ने दलितों को और कमजोर कर दिया, गरीब गरीब बनी रही, गरीबों को कल्याण के लिए बताए, लेकिन आप संविधान सबको अधिकार देता है कि सबको सुरक्षा हो, सबको न्याय मिले, सबको शिक्षा मिले, आप कुछ दे नहीं पाए। गरीबों के बच्चे 10-12 साल की उम्र में कारखानों में काम कर रहे हैं, गरीबों की बस्तियों में शराब के ठेके खुलवा रहे हो, गरीबों की बस्तियों में भांग के ठेके खुलवा रहे हो, गरीबों को शराब पिलाकर उनको कमजोर करने की प्लानिंग रखी है आप लोगों ने। आप बताइए कॉलोनियों में जो कॉलोनियां हैं कॉलोनियों में ठेके क्यों नहीं खुलवाते हो, आप मुझे बताइए, मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए, कॉलोनियों में सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, बीएसपी के नेता रहे थे, अरे बीएसपी का नेता छोड़िए, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि कॉलोनियों में ठेके क्यों नहीं खुल रहे, आपने बीएसपी की सरकार में रहते हुए बस्तियों में ठेके खुलवा रहे हो, कॉलोनियों में क्यों खुलवा रहे हैं, कॉलोनियों में ठेके खुलवाओ ना, सिंबल लगवा पता चले आपको, इसका मतलब आप जातिवादी मानते हैं, आप थोड़ी जानकारी दीजिए, आप चाहते हैं कि गरीब गरीब बने रहे, कमजोर कमजोर बने रहे, और आप उनकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, बहन बेटियों के साथ रेप करो, शर्म नहीं आती है, मानवता होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए, सरकार में बैठे हैं जनता सवाल करने की जगह गरीब लोग सबसे ज्यादा वोट दे रहे हैं, आपको गरीबों का वोट 80% आपको मिल रहा है, है? आप कांग्रेस के नाम पर भाजपा के नाम पर गरीबों का वोट लेके सरकार चला रहे हो, गरीबों के साथ में अत्याचार कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, भाजपा की मदद कर रहे हैं, आप सवाल की जगह शादी करा रही है, माँ मना कर रही है, माँ रोक रही है, क्या कानून है, क्या लोकतंत्र है, बेटी पढ़ाएंगे बेटी बचाएंगे, क्या बेटी बच रही है, कहाँ कौन सी बेटियां पढ़ रही है, घरों से खींच खींच के ले जा रहे हैं, लानत है ऐसी सरकार को, नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए सरकार को, सरकार में बैठे हैं, ठीक है भाजपा वाले तो गए चित्तौड़ था, भाजपा का नारा था ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो उन्होंने छोड़ दिया है क्योंकि उनको कहीं और जाना था। मैं कंक्लूजन करती हूँ इस डिबेट का कि देश के हर राज्य से रेप के मामले सामने आते हैं, जिसके बाद इन राज्यों पर रोक, इन ऐसे केसों पर रोक लगाने की बजाय राजनीति शुरू हो जाती है, विपक्ष पीड़ित परिवार के घर पर नजर आता है, और अगर वो पीड़ित परिवार दलित हो फिर तो पक्ष और विपक्ष पीड़ितों के घर खाना खाते भी नजर आते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ एक है कि आखिर रेप जैसे मामलों पर रोक कब लगेगी, इसी सवाल के साथ आज हम आपको छोड़कर जाते हैं, देखते रहिए जनहित टाइम्स, जय हिंद।